नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सभी का स्वागत करता हूँ राधे ट्यूटोरियल में। आइए हम कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम फर्स्ट पार्ट में बताए थे कि अल्फाबेट के सारे नंबर्स को याद कर लेना है और लिखने का एक तरीका बताए थे कि किस तरह दो साइड में, दो पार्ट में हम लोग बांट लेंगे अल्फाबेट को, उससे हमें आसानी होगा। क्योंकि अगर राइट साइड से आते हैं तो मतलब कि राइट साइड से करने का मतलब उल्टा, ठीक, तो उल्टा आते हैं तो ए बी सी डी का हम लोग उल्टा तरफ से भी एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि आइए लिख दिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, नीचे से शुरू होगा एन ओ पी क्यू आर S T U V W X Y Z, ठीक बताया थे फर्स्ट पार्ट में ही। कुछ लिखने का तरीका हमारा ये होगा, 26 होता है तो 13 13 दो पार्ट में बांट लेंगे, जिससे क्या फायदा होगा कि इसका उल्टा है, ठीक, अगर उल्टा देखना चाहे तो उल्टा भी देख लेंगे, और हम लोग अगर सीधे साइड से देखना चाहे मतलब लेफ्ट साइड से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, और राइट साइड से देखना चाहे तो भी देख सकते हैं, ठीक। तो हम बोले थे कि सारा नंबर याद कर लेना, आपको एक नंबर याद कर लेना है। सारे नंबर याद करने से आइए देखते हैं कि इस नंबर से कितने, लगभग आपको 10 सेकंड लगेंगे, कोई भी रीजनिंग का अल्फाबेट पे सेकंड हो, ठीक, कोई भी सेट हो तो 10 सेकंड में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नंबर लिखने से कितना फायदा होता है, ठीक। आइए नंबर जी का कितना होता है, 7 18 1 9 14, तो आगे 6 8 17 19 26 2 8 10 13 15, ठीक। नंबर लिखने के बाद हम लोग को देखना है कि क्या हुआ नंबर के साथ, ठीक। यहाँ पे 7 नंबर है तो यहाँ पे देखिए 6 है, एक घटा, फिर उसके बाद एक बड़ा, 7 से 8 हुआ। तो नंबर लिखने से तुरंत हम लोग को पता चल गया कि इस नंबर में क्या हुआ है, इस रीजनिंग के सेट में क्या किया गया, ठीक। इसी को कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इसका एक कोड सेट किया गया। तो कुछ क्या सेट किया गया है, 7 एक बार माइनस जाएगा एक बार प्लस जाएगा, ठीक। तो सारा पूरा सेट इसी पे है, जैसे कि यहाँ पे 18 है तो एक बार घटा एक बार बढ़ा, एक बार घटा एक बार बढ़ा, ठीक। तो आइए उसी तरह इसको हम लोग सेट करते हैं। तो एक बार इससे पीछे जाएंगे तो कहां जाएंगे, पीछे, ए से पीछे जाएंगे तो जेड, ठीक, जेड। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, बी, ठीक। और नंबर भी लिख लेते हैं, आइए नंबर ही सेट करके बनाते हैं, जैसे कि यहाँ 26 2, ठीक। अब एन के लिए क्या होगा, एन का 14 होता है तो पहले एक घटेगा फिर एक बढ़ेगा, ठीक। I का 9 होता है तो एक घटेगा 8 और एक बढ़ेगा तो 10। अब T है, T का एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, पहले एक घटेगा तो 19 और एक बढ़ेगा तो 21। उसी तरह A में होगा, एक घटेगा तो 26 पे चल जाएंगे हम लोग, ठीक। एक घटेगा, A तो लास्ट हम लोग का स्टार्टिंग होता है, इससे घटेगा तो कहाँ जाएगा, इससे घटेगा तो लास्ट जाएगा, ये हमेशा कंफर्म रखिएगा कि ए से तो स्टार्ट ही होता है, अगर इससे पीछे जाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जेड से ऐसे घटना स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ए से घटेंगे तो कहां पे जाएंगे, जेड पे, फिर ए से बढ़ेंगे तो कहां पे जाएंगे, बी पे, ठीक। आइए नंबर के साथ अगर वर्ड भी याद है तो तुरंत हम लोग पुट करेंगे, 10 सेकंड में बन जाएगा। यहाँ पे बी लिख दिया, 2 होगा, ठीक। आइए 13 पे क्या होता है, एम ओ H J S U Z B, ठीक। तो नंबर लिखने से आप देखें फायदा, ठीक। उसी तरह आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे B का 2 18 9 7 8 20, ठीक। तो यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यहाँ पे 3 ही वर्ड, मतलब कि इन 6 वर्ड को 3 वर्ड में बनाया गया, ठीक। ये
कोड है डिकोडिंग, ठीक। तो देखते हैं किस कोड में बदला गया है। नंबर लिखने से आप तुरंत देखिए, यहाँ पे नंबर लिख दीजिए 20 16 2। तो नंबर देखिए कुछ कैसे बदला गया। बी और आर दोनों को जोड़ा गया तो 20। इस दो वर्ड को जोड़ने के बाद क्या बना लिया गया, टी। और इन दो वर्ड को जोड़ने के बाद क्या बना लिया गया, 16। तो 16 इक्वल टू P, ठीक। और इन दोनों वर्ड को बनाने के बाद 28, ठीक। तो 28 आने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल वर्ड कितना है, 26, ठीक। लेकिन और आगे बढ़ा है, ठीक। तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे मतलब कुछ, आगे बढ़ने का मतलब 28, तो घूम के आगे बढ़ेंगे इधर कुछ ऐसे आएंगे, ठीक। तो 28, 26 तो पूरा हो गया, ठीक। यहां तक 26, तो इससे जब आगे बढ़ेंगे अगर इस साइड, तो कहां पे आएंगे 28 में, मतलब 26 से 2 आगे बढ़ेंगे तो प्लस 2 आगे बढ़ेंगे तो ठीक बी पे आएंगे, और -2 आगे बढ़ते तो वाई पे आते, ठीक। तो लिखते हैं उसी हिसाब से इसको बैठाया जाएगा, ठीक। तो इन समों का नंबर कितना होगा, 3 1 18 9 5 18, ठीक। मतलब कि यहाँ पे अभी 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड को मिला के हम लोग 3 वर्ड बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27, ठीक। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23। चलिए, तो अब हमें नंबर के साथ वर्ड भी याद रहेगा तो बहुत सारा कम समय बच जाएगा, जैसे कि 10 सेकंड में ही पुट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, 4 का मतलब डी हो जाएगा, 27 का मतलब हो जाएगा, 27 का मतलब देखिए कि अब इधर बढ़ना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, 27, 26 तो यही खत्म हो गया, 27 आएंगे तो वापस कहाँ पे आ जाएंगे, ए पे, ठीक। और फिर 23 का मतलब डब्लू हो गया, डायरेक्ट आंसर। नंबर लिखने से यही फायदा है कि हमको आंसर और कंफर्म आंसर मिलेगा। अगर अपने मन से सोचेंगे, सोचते रह जाएंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर नंबर लिख के हम लोग बनाते हैं तो तुरंत फाइंड होगा और बहुत कम समय लगेगा, ठीक। उसी तरह आइए इसे देखते हैं हम लोग। नंबर लिख लीजिए, 11 1 14 3 8 1 14, ठीक। तो जोड़िए, तो टोटल वर्ड हो गया आपका 52, ठीक। टोटल जितना भी नंबर लिखा गया है, ठीक। तो आइए देखते हैं कि कैसे जी लिखा गया है। टोटल जोड़ने के बाद इसमें कुछ ऐसे किया गया है कि टोटल लिख के नंबर जोड़ लिया गया, तो जोड़ने के बाद 52 आया। तो 52 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसके लिए कोड सेट किया गया था जी, तो 52 को हम लोग कुछ इस तरह जोड़ेंगे, तो आया 7, और 7 नंबर पे ही जी होता है, ठीक। तो ऐसे नंबर याद करने का फायदा है, ठीक। तो एक कोड सेट करके दिया गया था, आपको बनाना है तो बनाइए। जे कितने नंबर पे आएगा, 10 1 25 1 14 20 10, ठीक। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना नंबर हो जाएगा जोड़ने के बाद, 30 40 40, टोटल आया 80, ठीक। तो 80 80 को हम लोग कुछ इस बार जैसे कि तोड़ा गया था फर्स्ट में, वैसे तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 का वैल्यू कितना होता है अगर वर्ड में देखा जाए तो H, ठीक। आइए अगला देखते हैं, नंबर लिख लीजिए। देखिए नंबर से ये दूसरे टाइप का है, ठीक। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें नंबर का खेल नहीं है, आइए देखते हैं क्या किया गया है इसमें। तो इसमें उलट फेर किया गया, तो नंबर अपने मन से इसको हम लोग 1 2 मानेंगे। देखिए इससे फायदा क्या होगा, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4
पांच छः, ठीक। तो देखिए दो पार्ट में तोड़ लिया गया है, दो पार्ट में तोड़ने के बाद देखिए कैसे किया गया है। सिक्स तो सिक्स यहाँ, फाइव यहाँ, फोर यहाँ, ठीक। और फिर यहाँ भी वही किया गया है, थ्री टू वन। ऐसे लिख लेने से आसानी होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है और गलत भी हो सकता है, ठीक। तो नंबर लिखने से फायदा हो जाएगा, जैसे कि आइए इसको भी नंबर लिखते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक। अब दो पार्ट में इसको तोड़ लीजिए और यहां से नंबर उल्टा करके लिखिए, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा, पहले एट सेवन सिक्स फाइव, ठीक। ओ सॉरी, यहां से स्टार्ट होगा फाइव सिक्स सेवन एट, फिर वन टू थ्री फोर, ठीक। तो जैसे लिखा गया है लिखते हैं हम लोग, फोर के जगह पे सी, थ्री के जगह पे ए, टू के जगह पे आर, और एफ का मतलब वन, ठीक। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, एट का मतलब क्या हो जाएगा, एन, सेवन का मतलब ओ, सिक्स का मतलब आई, और फाइव का मतलब टी होगा, ठीक। तो ऐसे रीजनिंग का हम सारा क्वेश्चन जितना अल्फाबेट पे सेट किया, अगर आप नंबर याद कर लिए हैं तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा बोलते हैं हम कि आप नंबर याद रखिए, ठीक। नंबर याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद